भाई मैंने देखा चंगेज का एक सॉन्ग। सच बताऊं यार, मतलब दिल से ऑनेस्टली बताता हूं आपको, जब ये सॉन्ग मैं देखा ना, मुझे नहीं लगा कि ये चंगेज का सॉन्ग है, ठीक है ना। क्योंकि मैं चंगेज की जिस तरह का टीजर देखा हूं, जिस तरह का ट्रेलर देखा हूं, जिस तरह का वो बिड्डा सॉन्ग देखा हूं, हे बिड्डा बिड, तो ये सॉन्ग जिस तरह का मैं देखा हूं, वो तीनों चीज को अगर मैं मिला देता हूं तो मुझे नहीं लगता कि ये जो सॉन्ग आया है ये चंगेज मूवी का है। क्योंकि ये सॉन्ग टोटली डिफरेंट है यार, टोटली डिफरेंट है। मतलब एक लॉफ ट्रैक है और गाना सुनते ही एकदम से आपको नींद आ जाएगा, आप खो जाओगे कहीं पे, इस तरह का गाना है। मतलब वो ऊपर से अरिजीत सिंह भी गाए हैं उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में, तो पूरा एकदम से आपको वो आशिकी टू, मतलब जिस तरह का गाना जो अरिजीत सिंह का होता है ना, वो उस लेवल का, उस टाइप का गाना है। और इसमें वो चंगेज को, मतलब सुपरस्टार जीत को, हमें वो रूप में देखने को नहीं मिलता है जो उनके रावस रूप है, वो चंगेज वाला रूप है उसमें भी देखने को नहीं मिलता है। ऐसे सारा हेयर को ऊपर कर दिए हैं और मतलब एकदम से एक लव ट्रैक है जो कि आपको लगेगा कि ये लव स्टोरी फिल्म का गाना है। मैं यहाँ पे एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा, जो मेरी एक्सपीरियंस रहा ये गाना को लेकर के, चंगेज मूवी के साथ ये गाना एकदम से माहौल को चेंज करने वाला गाना है। मतलब आपको नहीं लगेगा कि मैं एक गैंगस्टर वाला फिल्म देख रहा हूँ, ऐसा मतलब एक खतरनाक मोड़ पे ले जाएगा ये गाना, मुझे अभी जैसा लग रहा है। अगर हम गाने की बात करें तो गाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये म्यूजिक, उसका ये धुन जिस तरह का बज रहा है, और अरिजीत सिंह का वॉइस, खास करके बंगाली लैंग्वेज में। मैं ये यहाँ पे बस एक ही चीज सोच रहा हूँ कि यार हिंदी लैंग्वेज में क्यों अरिजीत सिंह को नहीं दिया गया, शायद बजट कम पड़ता होगा, पता नहीं क्या हुआ। तो मैं यहाँ पे बस यही मेरा ये रह गया, नहीं जो भी हिंदी लैंग्वेज में गाए हैं ना, वो बहुत अच्छे गाए हैं और अच्छा लग रहा है सुनने में उनका, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है, उनकी वॉइस भी सुनने को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हम बंगाली लैंग्वेज को, जब ओरिजिनल लैंग्वेज में जब अरिजीत सिंह को दिख लेते हैं, तो मन में एक ख्वाहिश बढ़ जाता है कि भाई हिंदी में भी उनको गाना चाहिए। क्योंकि अरिजीत सिंह में दिल में बैठते हैं यार, दिल में बैठते हैं, और उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। अगर आप उनका थोड़ा सा चकना टाइप का दे दोगे तो लगेगा ना कि हम टोटल उनका ही सुनेंगे ऐसा। तो मैं वही फील कर रहा था कि हिंदी में भी उनको देना चाहिए तो अच्छा लगता वो एसेंट, है ना। तो फाइनली गाना बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और बस एक ही एक्सपीरियंस रहा कि ये चंगेज का गाना नहीं है, कोई लव ट्रैक है, कोई लव स्टोरी फिल्म का गाना है, बिल्कुल ऐसा लगा, तो थोड़ा अलग टाइप का लगा मुझे। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।